कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। अयोध्या के गांधीनगर कॉलोनी में एक अध्यापिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि किराए के मकान में रहने वाली शिक्षिका का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। वहीं पड़ोसियों के सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को छानबीन के दौरान सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये तो जांच का विषय है। फिलहाल हमें सुबह सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक कमरे में, बंद कमरा है, उसमें एक लड़की जो यहाँ पे रहती थी किराए पे इनके घर में, और उसकी मतलब वो पंखे से देखा गया कि लटकी हुई है, फांसी लगा ली है। तो ऐसी सूचना पे फिर हम लोग आए, देखे चारों तरफ से कमरा बंद था और कमरे को मतलब वीडियोग्राफी में खुलवाया गया, और खुलवाने के बाद देखा गया तो उसकी जो है एक संजू नाम की लड़की है, वो सुसाइड कर ली है पंखे से लटक के अपना दुपट्टा से। सहारनपुर से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला कोतवाली देवबंद का है, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी सौतेली मां के सर पर धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेठी में जिलाधिकारी ने आज स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली जिलाधिकारी आवास से शुरू होकर शहर के सभी चौराहों से गुजरी। इस मौके पर डीएम ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस रैली का उद्देश्य सभी को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं रैली में जागरूकता संबंधी नारे भी लगाए गए। रैली के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। फतेहपुर जिले की आबकारी विभागीय टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर विभागीय टीम ने वाइन शॉप में छापेमारी की, जहां से शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल रेपर और बोतलों के ढक्कन को बरामद करते हुए दुकान को सीज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दुकान के मालिक व सेल्समैन के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जालौन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें जालौन पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे जनपद में अवैध शराब भट्टी, शस्त्र फैक्ट्री तथा अवैध रूप से जुआ खेलने वाले अड्डों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया था। वहीं मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने सट्टा लगा रहे लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,13,920 रुपए भी बरामद किए हैं। वाराणसी के रोहनिया थाना परिसर में शांति सौहार्द बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एसपी और सीओ मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ गांव में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी लेते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि होली और चुनाव में किसी प्रकार की कोई अराजकता उत्पन्न होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में नौकरी का झांसा देकर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामला कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है। बता दें युवक को फोन कर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी गई। बता दें युवक को नौकरी के बहाने फोन करके बुलाया गया और गला दबाकर हत्या कर दी गई। वही घटना की सूचना पाते ही पुलिस ने इस मामले को संगीनता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और 20 दिन बाद पुलिस ने दिवाकर हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। फरुखाबाद में 3 दिन से गायब युवक की लाश बोरे में मिलने से हड़कंप मच गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को सूचित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर देहात में दो पक्षों में मकान बनाने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें दोनों तरफ से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। 2-3 लोग घायल हुए हैं, इसमें 2 लोगों को शायद कुछ अंदरूनी चोटें हैं, जिनकी जानकारी के लिए उनको भेजा जा रहा है। कहाँ से आए थे? एक्सरे के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ से आए थे? ये लोग आए हैं नोहानो गाँव से।